हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं काली माँ के कलेक्टिव ब्लेसिंग्स। माँ आज आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं हम देखेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे दूसरे के लिए वो कर सकते हैं। एंड टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स है और ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है। तो यूट्यूब में सिर्फ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ एंड अनकंडीशनली आप सबके लिए प्रे करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा, क्योंकि मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा और आपसे पैसा नहीं मांगूँगा, बिकॉज आई टोटली permanently stop it personal reading। so let's get started, देख लेते हैं माँ आपको क्या messages दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरि धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते काली तारा महाविद्या सौरषि भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चौ विद्या धुमावती कथा पगला शुद्ध विद्या चौ मातंगी कमलत्तिका एतो दसो महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओके, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए माँ। ओके, और मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए माँ। ओके, सो यहाँ पे आज आपको जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि माँ बार बार आपको एक चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है आपको पता है कि वो चेंज कितना ज़रूरी है, बट अभी भी आप उस चेंज को नहीं कर पा रहे हो। द समशाना माँ इज़ टेलिंग यू कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ को कट ऑफ करना है, कहाँ पे फोकस करना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नाउ यहाँ पे समशाना माँ काली एक मैसेजेस दे रहे हैं कि देखिए आपके पास एक स्पिरिचुअल पावर है। ओके, और आपको भी पता है कि मेन स्ट्रीम जो कंडीशनिंग्स है या फिर बिलीफ है या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो कहते हैं इसके साथ आप सहमत नहीं हो पाते हो, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस आपके गट फीलिंग आपको कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ कह रहे हैं, बट आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने फियर्स, आप अपने एंजाइटी, आप अपने डर एंड कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। तो क्या हो रहा है ना कि आप खुद के ग्रोथ को रोक रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि एक पर्टिकुलर मेथड ही आपको फॉलो करना है या फिर एक पर्टिकुलर वे में जाके ही आपको कुछ चीज़ मिलेगा, या फिर एक ऐसे मेथड है जिसको अप्लाई नहीं करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर एक ऐसे पर्सन को आप चाह रहे हो इस टाइम पे जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि वही आपके लिए सही है। तो इस सिचुएशंस में माँ आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप जिस चीज़ को चेज कर रहे हो या फिर पाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके साथ आपको अपना ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, बिकॉज गोल अचीव करने के चक्कर में काइंड ऑफ फंसते हुए जा रहे हो और आप अपने डर को कैरी कर रहे हो। सो टुडे इज योर मैसेज इज के यू रियली नीड टू कट दोज एंजाइटी फियर्स एंड जो ऑब्सेशंस है। ऑब्सेशंस मतलब किसी एक चीज के बिना आप खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। वेल यस, आप अगर प्रेजेंट सिचुएशंस में रह के ये सोचोगे तो आपके एंजाइटी कहेगा कि हाँ वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप शुरुआत से सोचेंगे जब वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं था उस टाइम से सोचोगे, तब आप देखोगे कि कुछ चीज़ आपके लाइफ में आए हैं, कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले भी गए हैं, कुछ चीज़ को आप इन्जॉय किए हो, कुछ चीज़ को आप इन्जॉय नहीं कर पाए हो। माँ उस टाइम फ्रेज का बात करते हैं कि समय आपके हाथ में नहीं है, समय को माँ कंट्रोल करते हैं। समय स्टार्ट भी होता है माँ से एंड समय खत्म भी होता है माँ से। नो, शमशाना काली का पूजा होता है क्रिमिशन ग्राउंड में, जिसको लोग जरा मतलब
जाहिर सी बात है कि लोग इसको एक डार्क प्लेस की तरह ही देखते हैं, बट एक्चुअली ये प्लेस जो है एक बहुत ही पवित्र प्लेस है जहाँ पे रिबर्थ होता है, जहाँ पे डेथ होता है, रिबर्थ होता है। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में भी कुछ साइकिल्स है जो ख़त्म हो रहा है, और आपको भी पता है कि कुछ चीज़ को रिमूव करना चाहिए, कुछ चीज़ को रिलीज करना चाहिए, कुछ चीज़ को बार बार पुराने तरीके से नहीं सोचना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आप ना डर के मारे एक ही जगह पे स्टक हो, ग्रोथ रुक रहा है। तो माँ क्या बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप स्टक हो भी तो भी माँ डिवाइन इंटरवेंशंस लेके आएंगे और माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ को रिमूव कर देंगे। सो वट एवर द थिंग्स आपके लाइफ से चले जा रहे हैं या फिर जा चुका है, उसको लेके मत बैठिए। कहीं ना कहीं माँ जो बोल रहे हैं कि देखो सिचुएशंस ऐसा है कि कुछ चीज़ आपके लाइफ से जाएंगे या फिर जाने वाला है या फिर जा चुका है, एंड वो चीज़ आपके साथ मैच नहीं करता है या फिर वो चीज़ आपके लिए बना नहीं है, बट यू आर क्राइंग फॉर दैट, आप कुछ चीज़ के लिए रो रहे हो ना। यहाँ पे बात है कि ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, दैट इज़ योर रॉन्ग कंसेप्शन। नहीं मिलेगा मतलब आप प्रेजेंट में जाके फ्यूचर का बात नहीं कर सकते हो, लाइक आज से 10 साल के बाद क्या होगा आपको भी नहीं पता, माँ को भी नहीं पता, हम सबको नहीं पता, बट किसको पता है, आपके समय को पता है। अगर आप टेक्निकली बात करते हो तो इस लाइफ टाइम पे जब आए हो तब आप एक समय के साथ ही आए हो, और इस लाइफ टाइम से जब आप जाओगे दूसरे लाइफ टाइम पे तब समय ही आपको लेके जाएंगे। सो माँ वो समय है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि कुछ चीज़ का जवाब आपको अभी शायद नहीं मिल रहा है, बट कुछ चीज़ के जवाब समय आपको दे देंगे। सिमिलरली अगर आप अभी भी अपने पास्ट को लेके बैठे रहोगे, नेसेसरी चेंजेस को नहीं लेके आओगे, और काइंड ऑफ आप डर के मारे खुद को छुपाओगे या फिर खुद को पुश नहीं करोगे, तो माँ आके आपके लाइफ से उस चीज़ को रिमूव कर देंगे एंड आपको फाइनली जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे लेके आएंगे। सो एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है या फिर होने वाला है, बी प्रिपेयर। आज माँ आपको बोल रही है कि कुछ ऐसे चीज़ को आपको ट्राई करनी चाहिए या फिर कुछ चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जो शायद आप हमेशा से सोच रहे थे बट डर के मारे वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे या फिर खुद को पुश नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा लेथर्जिक हो जा रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज बीच बीच पे जाके रोक दे रहे थे खुद को, या फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, जो भी था, यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस को माँ ने डिटेक्ट किया है। और आज माँ आपको बोल रही है कि अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को आप रिमूव करो, खास करके पास्ट के एनर्जी ब्लॉकेजेस अगर अभी भी आ रहे हैं तो उस नेगेटिव फ्लो को आपको रोकना है और पॉजिटिव चेंजेस के बारे में सोचो जो किस तरीके से आप अपने लाइफ को और बेहतर और पॉजिटिव बना सकते हो। कहीं ना कहीं फ्यूचर जानने का जो हमारा कोशिश है या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन करने का जो काइंड ऑफ हमारा एक कंडीशन है, लाइक ह्यूमंस आर वेरी क्यूरियस क्रिएचर, सो बेसिकली ये जो हमारे प्रेडिक्ट करने का नेचर है ना, आई थिंक इस प्रेडिक्शंस को आपको रोकना है, क्योंकि शमशाना काली माँ आपको हमेशा बोलते हैं कि लीव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो आप अपने पास्ट में जी रहे हो तो उस पास्ट को कट ऑफ करके प्रेजेंट में जियो, आपको फ्यूचर को बारे में सोचना नहीं है, पास्ट को क्या खोए उसके बारे में सोचना नहीं है, काइंड ऑफ लीव इन योर प्रेजेंट। उसके बाद आ रहे महाविद्या माँ, ना दशमय विद्या मतलब महाविजडम। सो इसका साफ मीनिंग है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको साफ पता है कि आप किस चीज के लिए आए हो ना। यहाँ पे दो तरीके से मैं आपको समझा रहे हैं, एक कि आपको इस सोल आपको हमेशा रिप्लाई दे रहे हैं, आपके कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा वो चीज चल रहा है और माँ के प्रेयर्स आपके साथ है, माँ के विजडम आपके साथ है। बट क्या हो रहा है, आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर चीज़ आपके अनुसार होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ फेयर होता है, कुछ चीज़ अनफेयर होता है, और वी आर नो वन टू जज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स। खास करके आज के लिए मैं आपको बोल रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन
आपको आपके तरीके से चीज़ों को मिलेगा। जो मिल रहा है उसको अगर आप आज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आई थिंक आप रिग्रेट कर सकते हो। बेसिकली महाविद्या माँ आपको बोल रहे कि आपको पता है हेल्दी खाना उतना टेस्टी नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को हेल्दी खाना चूज करना पड़ता है। आपको पता है कि एवरीडे बर्थडे नहीं होता है, तो कुछ डे बोरिंग होता है, कुछ डे मंडेन होता है, कुछ डे बिजी होता है, कुछ डे सैड होता है। सो यू नो डोंट टेक इट पर्सनल। यहाँ पे बात है कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हो, आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आपको पता है सिचुएशंस क्या है और क्या करना चाहिए, फिर भी आप इमेच्योर क्यों बन रहे हो। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है भी मैच्योर हो सकता है कि कुछ इमेच्योर चीज़ें हिट किया है, या फिर आपके मन में ट्रिगर किया है, या फिर आप ज़िद्दी बन रहे हो कि नहीं मेरे को कुछ चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि माँ आपको बोल रही है कि जब जैसे एक बच्चे पढ़ाई करते जब वो क्लास वन क्लास टू पे रहते हैं तब उनको उस तरीके का सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ता है। एक क्लास वन और क्लास टू के बच्चे को अगर मैं क्लास टेन एंड इलेवन ट्वेल्व का बुक्स दे देता हूँ तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली आपके जो फेज़ है उस फेज़ में आपके सामने जो आ रहा है उसको देखना होगा, उसको सीखना होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस करना होगा। जब सही टाइम आएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन माँ खुद आपको बोल देंगे। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए मेडिटेशंस के द्वारा, अब बुक्स पढ़िए, क्रिएटिव हो जाइए, एंड जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना भी आपको सीखना होगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई ट्रीट किया और दूसरे दिन आपको कम ट्रीट किया, बट आप अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लिए। ओके, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए कि कम से कम आपने मैनेज कर लिए हो, कम से कम आपको कुछ मिला है। वो रिजेक्शन से बेटर है, वो कुछ ना मिलना से बेटर है। तो महाविद्या माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर हम लोग कैरी करते हैं कि नहीं एवरी डे एक चांस मिल सकता है, एवरी डे हम लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है, या फिर एवरी संडे अच्छा होगा, एवरी सैटरडे, एवरी वीकेंड अच्छा होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पे कुछ बात ऐसे कह सकते हो कि जहाँ तक की बात है काली के भक्त के, मैक्सिमम काली भक्त आर नॉट इमोशनली वेरी हैप्पी, क्योंकि एक वॉर हमेशा चलता है। ओके, हमारे अंदर एक वॉर हमेशा चलता है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी का, तो आपको पता है कि किसका साइड लेना है। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आपको उकसा रहे हैं कुछ नेगेटिव काम को करने के लिए, आपको उकसा रहे हैं झगड़ा करने के लिए, आपको उकसा रहे हैं कि ईगो ड्रिवन काम को करने के लिए। यू नो आपके नेगेटिव थॉट्स शायद आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको किसी को बोलना चाहिए, आपको अपना हक मांगना चाहिए। यू नो ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। वेल, इस टाइम पे महाविद्या माँ आपको रोक रहे हैं कि कुछ चीज़ कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं होता है, कुछ चीज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं होता है, हर चीज़ का अलग अलग पहलू होता है। और हम जो जजमेंट को कैरी कर रहे हैं ना, उस जजमेंट को भी हटाना है। सो लाइक ऐसा है कि जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या फिर जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ख़राब फील कर रहे हो, ज़रा सा याद करके देखिए कि उससे भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको अच्छा फील करवाए हैं। एंड सिर्फ एक ही चीज़ आपका पूरा दिन को ख़राब करके नहीं रखा है। तो द महाविद्या मीन्स कि आज ऐसा फील हो सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन लाइफ के एक इश्यूज को लेके आप बैठ सकते हो और पूरा दिन को बर्बाद कर सकते हो, या फिर लाइफ में कुछ एक चीज़ नहीं मिला इससे इसको इशू बना के आप बाकी जो चीज़ मिल रहा है उसको नज़रअंदाज कर सकते हो, या फिर जो आपके पास है उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या फिर जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है उसी के बारे में आप रो रहे हो। ऐसा नहीं है। महाविद्या का मतलब है कि सच को एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी और के पास नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसको एम्ब्रेस कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो दूसरों के पास है, तो यू नो चीज़ों को इक्वली देखिए, चीज़ों को आप ओवर ड्रामेटिकली नहीं सोचिए, कंप्लेन नहीं कीजिए। कहीं ना कहीं आपके पास महा विजडम है, आपके पास माँ का प्रेयर है, आपके साथ माँ का कनेक्शन बहुत मजबूत है। तो चीज़ों को नहीं मिला है, या फिर चीज़ें आपके रीच से बहुत दूर है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा। रैदर आपको एक
काइंड ऑफ बात याद रखनी है कि अगर आपको लेमनेड खाना है और आपको लाइफ लेमन पकड़ा रहे तो उस लेमन से लेमनेड बनाना होगा. सो आपके पास जो चीज़ है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, उसी से काम चलाना होगा, उसी को एक्सेप्ट करना होगा आज. एंड डेफिनेटली कंप्लेन ना करके, इशू क्रिएट ना करके अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है. इमोशनली बहुत ज़्यादा एंटैंगल्ड हो सकते हो आज, दूसरे पर्सन को लेके आप एक ड्रामा सोच सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. इमोशनल ड्रामा से बचने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा और आपको सोचना होगा कि यू नो हर चीज़ का परफेक्ट आउटकम आपको हर टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा. कुछ चीज़ को छोड़ देना चाहिए समय के साथ एंड वो ऑटोमेटिक आपके सामने चले आएगा. नाउ द थिंग इज द धूमावती माँ. नाउ धूमावती माँ यहाँ पे क्लियर कट एक बात कह रहा है कि देखिए समय आ गया है या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को आप एनकाउंटर करने वाले हो जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि और आप आगे नहीं जा सकते हो. सो आई थिंक यहाँ पे जो बात है कि आपके जो थॉट प्रोसेस जिस तरीके से जा रहे हैं या फिर आप सुबह उठ के जिस तरीके से डे को प्लान कर रहे हो उसमें एक कॉमन चीज़ है सैडनेस. ओके, कुछ ऐसे सैडनेस, कुछ ऐसे मेंटल नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव इमोशनल एनर्जी हो सकता है, ये नेगेटिव कॉर्ड्स हो सकता है जिसको आप कैरी कर रहे हो थ्रू आउट द होल डे. तो माँ आपको यही बोल रहे कि आपके पास तो विजडम है, आपके पास तो महाविद्या है, उस विद्या से काइंड ऑफ कुछ चीज को आइडेंटिफाई करना होगा. वो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप जिस पथ पे चल रहे हो, जो पथ पे चल रहे हो, वो पथ फ्यूचर में आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे. सो आपका पद बहुत कठिन है, महाविद्या से आपको पता करना चाहिए. जैसे कि आप एक फर्स्ट गर्ल या फिर फर्स्ट बॉय हो अपने स्कूल का, इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा. दैट सिंपल. आप खेल कूद करके आप फर्स्ट नहीं बन सकते, दैट सिंपल थिंग. सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसे है जिस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा. वेल, आप कर भी रहे हो एंड हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिल रहा है. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि और नहीं चल पाओगे आप और नहीं हो पाएगा आपसे. यहाँ पे धूमावती माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपके साथ है. सिचुएशंस कितना भी कठिन क्यों ना है, या आपको प्रेजेंट सिचुएशंस एंड ये आपके जो इमीडिएट प्रेजेंट सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस पे आपको डरा सकता है, इस सिचुएशंस पे आपको पुश कर सकता है, पीछे धकेल सकता है. बट धूमावती माँ आपके फ्यूचर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे. तो कहीं ना कहीं कुछ टेम्पररी लॉस शायद आप फेस कर सकते हो. कुछ टेम्पररी चीज़ों को आपको टेम्पोरली, कुछ चीज़ टेम्पोरली आपको नहीं मिल सकता है, बट फ्यूचर में वो चीज़ आपको मिलेगा. आज का जो मैसेज सिंपल है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से चीज़ें टर्न आउट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि माँ आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं कि कैसे लाइफ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को लेके चलना है. और महाविद्या का मतलब क्या है कि माँ एक विजडम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और वो विजडम क्या है कि लाइफ को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है. इट इज व्हाट इट इज, ये कॉन्सेप्ट को माँ आपको समझा रहे हैं. तो इसीलिए क्या है, धूमावती माँ कोई डराने के लिए नहीं आए. धूमावती माँ आपको सिर्फ एक चीज रिमाइंड करने के लिए आए है कि जो लाइफ को आप सोच रहे हो इससे कई गुना ज्यादा बेटर आप कर सकते हो, इससे कई गुना ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट यू आर स्टिल स्टक. इसीलिए समझाना काली माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ आज एंड होगा, कुछ चीज़ आपके लाइफ से परमानेंटली रिलीज होगा, कुछ चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो. वेल, अभी आपको बहुत बुरा लग सकता है, अभी आपको डर लग सकता है, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड
ये ऐसे क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ, हो सकता है कि ये आपके पास्ट कार्मिक बैगेज जिसकी वजह से, हो सकता है कि कुछ चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा था फिर भी आप पुश कर रहे थे एंड फाइनली वक्त आ चुका है कि जहाँ पे आपको अपना रोड को चेंज करना है, जहाँ पे आपको अपना डायरेक्शंस को चेंज करना है, जहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। सो राइट नाउ द थिंग इज कि आज आप जिस तरीके से डे को प्लान कर रहे हो उस तरीके से डे नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपके अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अभी भी आपके अंदर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अभी भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हो। आज अगर आप सरेंडर करोगे और अगर आज आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अगर आज आप ऐसे चलोगे कि ठीक है जो मिल रहा है सही है, जो नहीं मिल रहा है इट्स ओके, तो आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीख पाओगे। नाउ द इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ को विश्वास करो, जो चीज़ ख़त्म हो रहा है वो आपके लिए नहीं था, जो चीज़ आ रहा है वो आपके लिए माँ सेट करके रखे है। अगर आप माँ से लड़ोगे या फिर माँ को रोकोगे तो आप ज़्यादा सफ़र करोगे, ज़्यादा तड़पोगे। अगर आप माँ के साथ चलोगे और चीज़ों को आसानी से लेट गो करोगे तो आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स मिलेगा। नाउ फैसला आपको करना है कि क्या आप अपने पास्ट के गुस्से, ईगो या फिर एक्सपेक्टेशंस के साथ रहोगे, या फिर लाइफ को ऐसे एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है जो आप नहीं मिला है वो नहीं मिला है, शायद जो चीज़ नहीं मिला है वो आपके लिए नहीं था, बट जो चीज़ मिलेगा वो बहुत ही खास होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा और वो माँ का प्रसाद होगा। तो कहीं ना कहीं आज आपको माँ बोल रहा है कि येस यू मे फेस सम शॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, आज आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को फेस कर सकते हो, आज चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, कुछ टेम्पररीली लॉस हो सकता है, बट वो आपके फ्यूचर हैप्पीनेस को नहीं रोकेंगे। फेस योर फियर्स, रिलीज योर ट्रॉमा, रिलीज योर पास्ट एंड ब्रिंग द चेंज। आप के पास वो विजडम है, आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। द थिंग इज जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं करता है, जो चीज़ आपके साथ एप्लीकेबल नहीं है, शायद आप उसी को कैरी कर रहे हो और आज माँ आपके लाइफ से उस नेगेटिव चीज़ को, उस बर्डन को, उस इमोशनल प्रॉब्लम्स को हटा देंगे। इन शॉर्ट माँ आज आपको फ्री करेंगे ताकि फ्यूचर में आप ग्रो कर सको, ताकि फ्यूचर में आप बहुत कुछ चीज़ सीख सको, ताकि फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ दशमा विद्या एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ का लिटर टनीबन एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोस अपलोड करूंगा, आप लोग आके देख लीजिएगा।